खबर उत्तराखंड के खानपुर से है, जहां बुक्कनपुर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के साथ गाली गलौच और मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं आरोपियों ने विद्युत कर्मियों को एक कमरे में बंद कर मोबाइल फोन छीन लिए। वहीं पीड़ितों ने तीन लोगों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। लंढोरा SDO मयंक पंत ने बताया कि टीम के साथ मुंडलाना में बिजली की बकाया वसूली करने जा रहे थे। इसी दौरान बुक्कनपुर में एक मकान में कटिया डालकर बिजली चोरी करने का मामला सामने आया था। इसी दौरान आरोपी लोगों ने JE मीटर रीडर और लाइनमैन के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं आरोपियों ने जिन मोबाइल से वीडियोग्राफी बनाई थी, उन मोबाइल को छीनकर टीम को बंधक बनाने का प्रयास किया। JE का कहना है कि करीब 15 लोगों ने गाली गलौज और मारपीट की, बाद में किसी तरह से बिजली कर्मचारी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। कनेक्शन चेक करने के लिए बुक्कनपुर गए गाँव में, वहाँ से जैसे ही कनेक्शन काटने लगे बकाए पर, इसके साथ मारपीट कर दी। अच्छा, क्यों करी मारपीट? चोरी का केबल पड़ा हुआ था अलग से और मीटर भी उतारण नहीं दिया। किस किस के साथ मारपीट हुई? जय साहब भी है, इसके हमारा लैंड मैन है मिंटू, यहाँ से ठेकेदार, और गौरव पुंडीर जी हैं एक हमारे मिट्री, उनका फ़ोन ले लिया। अच्छा, और जय साहब हैं एक, उनका फ़ोन फोड़ लिया। बुक्कनपुर के लिए उनके लिए गए थे कनेक्शन काटने के लिए ड्यूज पर, तो जय साहब बोल दे मीटर उतारने के लिए, फिर उसने गाली गुप्ताड़ पूरी करी, आज आध शब्द बोले उसने मुझे, फिर जय साहब का फ़ोन फोड़ दिया।